वेलकम बैक दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे वशीकरण के इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कैसे आप किसी भी स्त्री को या पुरुष को अपने वश में कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान उपाय है। अगर आपकी ज़िंदगी में आप किसी से एक तरफा मोहब्बत करते हैं और आप चाहते हैं कि वो स्त्री भी आपसे उतनी ही मोहब्बत करने लग जाए जितनी आप उससे करते हैं, तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कैसे आप किसी भी स्त्री या किसी लड़की को या अपनी पुरानी प्रेमिका को या पुराने प्रेमी को अपने प्यार में बांध सकते हैं। अगर आप किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो ही आपको ये उपाय करना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी उपाय है। इस उपाय के ज़रिए तुरंत आपका काम हो जाता है, मात्र कुछ घंटों के अंदर ही। इस वशीकरण के उपाय को मोहिनी वशीकरण भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, मोहिनी वशीकरण, जो कि बहुत सालों से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं किसी को भी अपने वश में करने के लिए। और वशीकरण का मतलब कई बार लोग बहुत गलत सोच लेते हैं, उन्हें लगता है कि कोई नेगेटिव क्रिया है या कोई नकारात्मक विद्या है जिससे कि कुछ नुकसान होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। सम्मोहन विद्या होती है, उसी तरह से मोहिनी वशीकरण विद्या भी होती है, जिसमें आप अपनी इच्छा शक्ति से और सही मंत्रों के द्वारा किसी को भी अपनी ज़िंदगी में आकर्षित कर सकते हैं और उसे अपना दीवाना बना सकते हैं। इसके लिए दोस्तों क्या आपको इस्तेमाल करना होगा वो मैं आज आपको बताती हूँ। आपको सिर्फ 2 लहसुन की कलियाँ इस तरह से लेनी होगी, और इसके अलावा आपको एक काला धागा चाहिए होगा। आप इस तरह से मोटा धागा भी ले सकते हैं, या फिर आप पतला जो सुई धागे में इस्तेमाल होता है वो वाला धागा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों किसी भी पेन की सहायता से, चाहे मोटा मार्कर हो या फिर पतला पेन हो, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको लहसुन के ऊपर लिखना है ओम। एक लहसुन के ऊपर आपको इस तरह से ओम लिखना है, और उसके बाद ओम वाले लहसुन पर आपको अपनी प्रेमिका का नाम लिखना है। आपकी प्रेमिका का नाम जो भी हो, आप उसे इस तरह से उस पर लिख दीजिए। मैं यहाँ पर पूजा लिख रही हूँ। एक लहसुन पर आपको इस तरह से लिख देना है, दूसरे लहसुन पर आपको बनाना है एक स्वास्तिक का चिन्ह इस तरह से, ये आप देख सकते हैं, और उसके बाद आपको लिखना है अपना नाम। मैंने लड़के का नाम यहाँ पर नवीन लिखा है, इस तरह से आप लिख लीजिए। अब दोस्तों ये दोनों लहसुन आपको अभिमंत्रित करने होंगे। जी हाँ, एक मंत्र के द्वारा आप इन दोनों लहसुन को अभिमंत्रित कर लीजिए, और उसके बाद आपको इन दोनों लहसुन को आपस में बांधना है। धागे की सहायता से आपको इनको आपस में लपेट कर बांध देना है। तो इन दोनों कुछ इस तरह से लहसुन को रखना है कि ये दोनों नाम एक दूसरे की तरफ हो जाएं, और इस तरह से आपको इसे, जब आप इसे देखें तो इधर की तरफ ओम और स्वास्तिक नज़र आए, और अंदर की तरफ इसमें नाम, दोनों नाम एक साथ नज़र आए। अब आप धागे की सहायता से इसे अच्छे से लपेट दीजिए, और जब तक आप इसे लपेटते रहेंगे उतनी देर आपको उस मंत्र का उच्चारण करना होगा। करीब आपको जो धागा लेना है वो लेना है 2.25 मीटर का। 2.25 मीटर धागा आप इसके ऊपर इस तरह से लपेटते जाएँ। इस तरह से पूरा धागा आपको लहसुन के ऊपर लपेट देना है। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा प्रचंड वशीकरण है जो मैं आपको बता रही हूँ। मोहिनी वशीकरण हमेशा वश में करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग आप सिर्फ तभी करें जब आप सामने वाले इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार करते हों और आप चाहते हों कि वो आपकी ज़िंदगी में हमेशा हमेशा के लिए आ जाए। इस तरह से लहसुन को आपको धागे में पूरी तरह से लपेट देना है। अगर आप पतला धागा इस्तेमाल करेंगे तो शायद वो इस तरह से नहीं पूरा कवर करेगा। अब आपको क्या करना है, इस लहसुन को आपको ले जाना है और अपने घर की किसी ऐसे कोने में छुपा देना है जहाँ पर इसे कोई भी ना देखे, और दोस्तों आपको उसे वहीं रखे रहने देना है। लेकिन आप जब इस क्रिया को करेंगे उसके मात्र कुछ घंटों के बाद ही उस लड़की का आपके पास कॉल आएगा, या फिर वो आपके घर पे ही खुद आ जाएगी और आपसे मिलने के लिए वो तड़प उठेगी, आपसे मिलने का समय मांगेगी।
तो इस तरह से आप इस उपाय को कीजिए। इसमें जो मंत्र इस्तेमाल किया जाने वाला है वो मंत्र आप हमारे नंबर पे कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। हमारा नंबर आपको वीडियो की स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो उस नंबर पर कॉल लगाइए और हम आपको वो मंत्र ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।